तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से ऑर्डर किया हुआ सामान को कैसे देखेंगे, मतलब कैसे आप ट्रैक करेंगे कहाँ पे है आपका सामान और कितने टाइम के बाद, कितने दिनों के बाद आपके पास आएगा। कभी कभी इसका प्रॉब्लम भी हो जाता है, तो अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, अगर जिसको पता नहीं है तो वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ऑर्डर करके दिखाऊंगा, उसके बाद कैसे उसको ऑर्डर को चेक करना है, मतलब सामान को चेक करना है कहाँ पर है, कितने दिनों में आएगा, वो कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले एक ऑर्डर को मैं यहाँ पे करता हूँ, कुछ भी एक ऑर्डर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे फेस मास्क मैं कर लेता हूँ, ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ, तो कवर कर लेता हूँ, ठीक है, तो मोबाइल कवर, और यहाँ पे मोबाइल कवर को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मोबाइल कवर कर देते हैं। तो मोबाइल कवर को हम यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, एक कोई भी कर लेंगे, चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे वाटरप्रूफ मोबाइल कवर जो आ रहा है वो यहाँ पे हम ऑर्डर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए ये वाले को कर लेते हैं। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बाय का ऑप्शन में क्लिक करना होता है, और आपको यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आप एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको बाद में जाना है, उसके बाद आपको एड्रेस देने के लिए बोलेगा, आपको एड्रेस दे देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से आपको एड्रेस देने के लिए बोलेगा, आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा, मेरा एड्रेस भी यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डोनेट करेंगे तो डोनेट पे नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवरी फ़ी है, और यहाँ पे आप कंटिन्यू का ऑप्शन में क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का सेक्शन मिलता है, जैसे कि आपको पता है आप यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस आपको देना होगा, मतलब यहाँ पे ₹5 का आपको चार्जेस ज़्यादा देना होगा। तो प्लेस ऑर्डर पर हम क्लिक करेंगे, तो प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी भी है, कैश ऑन डिलीवरी कंफर्म ऑर्डर आप यहाँ पे करेंगे। तो कंफर्म ऑर्डर पे करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर हमारा यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे ऑर्डर हमारा सक्सेसफुली हो गया है। तो देख सकते हैं ऑर्डर हमारा यहाँ पे हो गया है, तो यहाँ से हम बैक करेंगे, ठीक है, एकदम होम के सेक्शन में आ जाएंगे। देखिए होम के सेक्शन में आ गए हैं अब, ठीक है, मतलब एक बार क्लोज ही कर देते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। तो एप्लीकेशन को क्लोज कर देने के बाद क्या करेंगे, हम फिर से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, और अभी आप कैसे देखेंगे, मतलब जिसने आपने देख लिया तो मैंने एक ऑर्डर कर दिया, तो उसको देखना कैसे, देखने के लिए क्या करना है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अकाउंट, इस अकाउंट के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। इस अकाउंट के ऑप्शन में क्लिक करने का देख सकते हैं यहाँ पे आपका सभी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ऑर्डर का ऑप्शन, मतलब आपने कौन से सामान को ऑर्डर किया है, पहले किया था और अभी जो ऑर्डर किया वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऑर्डर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अभी मैंने ऑर्डर के ऑप्शन में क्लिक किया, माई ऑर्डर देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये सभी सामान जो मैंने खरीदे थे पहले, ठीक है, बहुत सारे सामान है जो मैंने खरीदे थे यहाँ से, और अभी जो सामान है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि 2 अगस्त में आपके पास ये पहुँच जाएगा, पहले भी पहुँच सकता है पर 2 अगस्त यहाँ पर लगेगा, अगस्त की दो तारीख को यहाँ पर ये सामान मेरे पास आएगा। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, मतलब आप देख सकते यहाँ पर सी ऑल अपडेट, अभी देख सकते यहाँ पर ये शिफ्ट नहीं हुआ है, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर आउट ऑफ डिलीवरी होगा, मतलब जिस दिन आउट ऑफ डिलीवरी उस दिन आपको मिल जाएगा। तो कम से कम ये बोल रहा है कि 2 तारीख तक ये आपके पास आ जाएगा। तो आपने देख लिया ना कितना आसानी से आप किसी भी सामान को, ठीक है, अगर आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं था तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा आपको, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट वो सबसे पहले आपको मिल जाए। फिर भी कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स से शेयर करें, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स वॉचिंग।